अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मेहनती तमाम साथ दोषी कर दीजिए की शान में किसी ने अर्ज किया है कि वो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु वो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या ना दिया इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया नई राहें दी नए मोड़ दिए। आज सफर के दौरान आपके नारायणगढ़ के सबसे बड़े मदरसे में आने का मौका मिला और ये जानकर भी खुशी हुई कि वालिद मरहूम शेख इस्लाम मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी साहब इसके संगे बुनियाद की तकरीब में शामिल रहे थे। इस गुलशन को देख के बहुत खुशी हुई। आप तमाम साथ आलमिल में दो बातें मुख्तसरन समझ लीजिए। हमारे शेख हजरत मौलाना हजरत अकदस की शाह अब्दुल कादिर साहब मैकली रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने मुरीदों को दोस्तों को बच्चों को एक बात समझाते हैं, यह आप भी समझ लीजिए, क्योंकि कल को आपने बड़े हो के आलिम बनना है हाफिज बनना है कौम की क़यादत करनी है इमामत करनी है सरबराही करनी के दीन का इलम अपनी जगह होता है दीन का फहम मतलब दीन को समझना अपनी जगह है। जो आम लोग हैं वो दीन का इलम रखते हैं दीन का फहम नहीं रखते और जो आलिम होते हैं मुहद्दिस होते हैं शाहुल हदीस होते हैं हाफिज होते हैं ये जैसे आपके उस्ताद हैं सब यहाँ बैठे हुए अल्लाह ने इनको दीन का इलम भी दिया और दीन का फहम भी अता किया। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाक्या हदीस में भी आता है मैं आपको हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर वाक्या सुना के बात खत्म करूंगा। हजरत के पास एक बंदा आया तो उसकी बड़ी मिन्नत करते थे कि नमाज पढ़ा कर तो कहने लगा अजी मैं नमाज तो पढ़ूं लेकिन बिना वजू के पढ़ सकूं। अब जिनके पास सिर्फ दीन का इलम है उनके पास तो फतवा है कि बिना वजू के नमाज नहीं हो सकती होती भी नहीं बिना वजू के नमाज नहीं हो सकती होती भी नहीं और यहां तो अगर किसी का पैजामा टेबल से नीचे चला जाए तब भी फतवा है जी किसी की मूछे खड़ी हो जाए तब भी फतवा है दाढ़ी छोटी हो जाए तब भी फतवा है क्योंकि हम दीन के फहम को भूल गए और सिर्फ फतवों के अंदर आ गए उससे मिलत इस्लामिया में इतिहाद की बजाय इंतजार करता हो दारुल के जितने अकाबरीन हैं बिलखसूस हाजी दादुल्ला साहब मुहाजिर बदरी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की तरफ तशरीफ जा रहे थे गाँव में से गुजरे देखा मस्जिद मीरान पढ़ी अभी नमाज पढ़ने नहीं आता मुसलमानों का ही गाँव में अब क्या पूछा क्या बात है कहते नहीं चौधरी साहब भी नहीं पढ़ते हम भी ना पढ़े चौधरी के पास गए कहते ऐसी बात यह है मैं नमाज पढ़ना तो चाहूँ लेकिन मैं तो वजू नहीं कर सकता और मैं तो शराब पीता हूँ शराब भी नहीं छोड़ सकता। अब होता आजकल का कोई हमारे जैसा मौलवी कोई जमात वाला कोई खराब 10,000 मतलब दे के आता उसे प्रमाण नहीं यार तू कोशिश कर चल हमारे कहने पे एक और पढ़ ले कहने अच्छा यार मौलवी तू ज्यादा जिद कर रहे तो कल आऊंगा सुबह जोर में वहीं रुक गए और फिर तबलीग के बाद मस्जिद में जाके दुआ के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए कि अल्लाह इस बंदे को तेरे घर तक लाने के लिए जो मेहनत करनी थी मैंने कर दी आ गया मेरा काम है। अब सुबह को चौधरी साहब ने उठते ही आता है तो मौलवी से वादा कर रखा मुसाफिर मौलवी रुकाऊंगा तो अपनी बीवी को कहने लगे क्या बात तो हो गई कि पशु के बगैर भी जाऊंगा पर चल पहली बार कर रहा है तो गुसल करके ही पता चले जाऊं तो वजू की बजाय मुकम्मल गुसल ही करनी है और जब मस्जिद का सर के पीछे नमाज पढ़ी इंतजार हुआ कि शराब
आप किसी जाहिल के पास जाता हो बंदा तो 10,000 फतवे थे। हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, बिना वजू के पढ़ लिए। साथ में मौलवी बैठे तो घूरने लगे, तो फरमाया तेरे पास आया कि मेरे पास आया है? हमारे पास आया है। तो पढ़ने लगा, जोर की नमाज पढ़ी बगैर वजू के, असर की पढ़ी। तो मगरिब में जब सब लोग वजू कर रहे थे, वो भी वजू खाने में, कहते यार मैंने दिल में सोचा कि सब लोग वजू करके पढ़े हैं तो तू अकेला ही तू बिना वजू के पढ़ा। कहने से मुराद ये है कि अगर उसको भगा देते, डांट देते, उसको कहते कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, भाग जाओ यहां से, तो फिर वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता। इसको दीन का फहम कहते, यानी दीन के मसाइल को किसी के ऊपर लागू करने के लिए हिकमत को इख्तियार करना। दीन का मतलब दूसरों को ठोसना नहीं है, दीन का मतलब दूसरों को समझाना है। और हमने सबसे बड़ा जो काम गलत किया भारत के मुसलमानों ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, जिस सुन्नत की वजह से मुसलमान हुए, जिस सुन्नत की वजह से दीन चारों तरफ पहुंचा। अच्छा वही वाली सुन्नत छोड़ दिया, मैं आपसे पूछूंगा तो याद ही नहीं हमें किसी को। वो सुन्नत ये है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे सहाबी बच्चे, वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में रहते हैं, जैसे आप अपने उस्ताद की खिदमत में रहते हैं। तो अनस फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, कि मेरे जहन में एक बार आया कि ये सबसे ही बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, किसी को गुस्से ही नहीं होते, नाराज ही नहीं होते। फरमाते हैं कि मैंने सोचा अनस कोई ऐसा काम करना तेरी पिटाई हो जाए। फिर सारी दुनिया असल अबू बकर से लेके सैयदना बिलाल तक सब कहेंगे कि हमने मोहब्बतें बटोरी है, तू अकेला ये कहा करेगा कि अनस ने तो मार भी खा रखी है। तो फरमाते हैं कि मैं कोशिश में लगा रहा कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि मेरे एक आदमी लग जाए चपत, तो कोई ऐसा मौका आया नहीं। फरमाते हैं कि एक दिन असर की नमाज के बाद यमन से कुछ मेहमान आए, हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके पास सारी दुनिया से लोग जाते थे मिलने के लिए रोजाना अलग अलग मुल्कों से। आप लोग याद रखना, दीन का पढ़ना है तो सीरत जरूर पढ़नी है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़नी, तभी के कुरान पता लगेगा कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई। अगर ये पता करना तो रसूलुल्लाह को पढ़ना पड़ता। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग मिलने आते थे, अनस फरमाते कि मैं मस्जिद में था तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, तो इत्तेफाक से उस वक्त और कोई नहीं थे, असर के बाद मस्जिद खाली थी। तो फरमाते कि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटा भाग के जाओ बाजार से मेहमानों के लिए नाश्ता लाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फर्स्ट पीए थे जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, एक सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी कहीं बाजार गए हुए थे। अब अनस कहते हैं जब मुझे कहा नाश्ता लाओ, तो मैं जब नाश्ता लेने गया तो बाजार में मेरे जहन में आई कि अनस आज अगर तू टाइम पे ना गया और मेहमानों को नाश्ता टाइम पे ना मिला, हो सकता है कि आज इजहार नाराजगी हो इस बात पर और फिर तेरे एक आदि चपत लग जाए। अब तुम्हें तो पता ही है मौलवी कहीं काम पे भेज दे और लेट हो जाए तो क्या हो, तो कहीं तो इतना चिर जाएंगे हर मदद में बिना। तो वो अनस फरमाते कि मैंने सोचा कि आज ही जाना नाश्ता ले, बाजार भी बैठ गए, थैला बिछा दिया जमीन में भी बैठ गए और उस रास्ते की तरफ देखने लगे जो रास्ता मस्जिद नबी से बाजार की तरफ आता था। जब बहुत वक्त गुजर गया और ये आइडिया लगा रहे अपने जेब में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे होंगे, मेहमानों के आगे नाश्ता रखना था, पानी रखना था, खजूरें रखनी थी, अब तो देर हो गई। फरमाते हैं जब काफ़ी देर हो गई तो मैं सोच रहा था कि कोई मुझे पकड़ने आएगा, ढूंढने आएगा, तो इतनी देर में क्या देखता हूँ कि खुद अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ गए बाजार में और चेहरे पे परेशानी का आसार। फरमाते हैं कि मैंने कहा ले भाई अनस आज मौका आ गया, आप तू पिटेगा बाजार में और फिर तू क़यामत तक ये कह सकेगा कि 1,24,000 सहाबा में से सिर्फ अनस है एक जिसने मार भी खाई है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुझे देखा मेरी तरफ तेज कदम बढ़ाए, मैं भी चंद कदम आगे गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकत के साथ पूरी कुव्वत के साथ सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी छाती से लगाया, सर पर हाथ फेरा, कंधों में हाथ फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, तो
फरमाया मेरे बेटे तू अनस कहां रह गया, मैंने सोचा गिर ना गया हो, चोट ना लग गई हो, किसी ने तुझे मारा ना हो। अनस फरमाते मैं रोने लगा कि ये तो इतने करीब रसूल हैं कि बुराई में से भी अच्छाई को निकाल के मार लिया। तो ये मेरे नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं कि हम मुस्बत सोचें। कैसा सोचें जी? मुस्बत, पॉजिटिव सोचना है। जब सोचना है कैसे सोचना है? किसी ने फोन नहीं उठाया तो ये भी सोचना, जानबूझ के भी उठाया। पॉजिटिव सोचना है कि अच्छा शायद कहीं मसरूफ होगा फिर उठा लेगा। किसी ने किसी के आगे चुगली कर दी तो ये कुरान ने कहा कि खबर देने वाले की पहले तस्दीक कर लो। कोई आगे तुम्हें कह रहा है तुम्हारा भाई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे चचा ने यह कह दिया, जो तुम्हें खबर देने वाला पहले उसका चेहरा देख लो, ये नमाजी है, बेईमान तो नहीं, ठग तो नहीं, चोर तो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें। कैसा सोचे भाई? पॉजिटिव। बच्चे अपने भाइयों के मुताबिक पॉजिटिव सोचे, उस्ताद बच्चों के मुताबिक पॉजिटिव सोचे, बच्चों का काम अपने असाज़ा के मुताबिक, अपने माँ बाप के मुताबिक पॉजिटिव, यानी अच्छा सोचना, बुरे ख्याल को दिल में से निकाल के अच्छे ख्याल को लाना, ये मुसलमान की निशानी। रसूलुल्लाह से सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह वो फलाह आदमी है, हमेशा तौबे ऐसे दिल के ऊपर। अल्लाह के नबी को गुस्सा आया, फरमाया इसकी छाती फाड़ के देखी है, इसकी छाती फाड़ के देखी है तुमने। हम लोग क्या करते हैं सच्ची बात? अगर कोई हमारा भाई जरा सा नाराज हो जाए 200 सवाल बनाते हैं अपने पास से नहीं बनाते। कोई उस्ताद हमें जरा सा डांट दे 200 बातें अपने पास से दिल में बना लेते नहीं बना लेते। माँ बाप अगर हमें कुछ कहते 200 बातें उनके खिलाफ बना लेते नहीं बनाते। कोई चीज जरा सी इधर उधर हो जाए सोचते फलाने उठा के होगी फलाने छोड़। ये हालत है मुसलमानों की नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी को तो खत्म किया दुनिया में से। रसूलुल्लाह चाहते हैं मुसलमान पॉजिटिव सोचे, मुस्बत सोचे। ये मुस्बत सोचने की वजह से आज हम मुसलमान हुए। हमारे बाप दादा मदीने और मक्के से नहीं आए, हम इसी जमीन पे पैदा हुए, हमारे आबाजात यही पैदा हुए। उन तक दीन इसलिए पहुंचा क्योंकि पहुंचाने वालों की सोच मुस्बत थी, पॉजिटिव थी। वो ये चाहते थे कि हर गरीब तक दीन पहुंचे, वो ये चाहते थे कि हर मजलूम को कंधे से लगाया जाए, वो ये चाहते थे कि हर गरीब को एक ही थाली में बिठा दिया जाए, वो ये चाहते थे कि गोरा और काला एक ही सब में खड़ा हो जाए। अगर वो मुस्बत में सोचते वो पॉजिटिव में सोचते तो आज क्या हम इस मदरसे में बैठ जाते? क्या दीन हम तक पहुंचता? तो आप जो दीन के ठेकेदार पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सोचते, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं, एक दूसरे की मुखबरी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं। कुरान ने कहा वही बिल्ली कुल्ली रुमाजा दिल रुमाजा की बैद और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के आप तलाश करते हैं, दूसरों को बताते फिरते। तो हमने कैसे सोचना जी? पॉजिटिव, ठीक पॉजिटिव सोचेंगे इंशाल्लाह सारी जिंदगी। जब भी सोचना मुस्बत सोच, आपको वैसे नहीं सुना सकता जैसे एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने घर में उसके बिस्तर पे दुलार कर नहीं सुना, कोई नहीं सुना सकता। दुनिया का कोई मदरसा उस अंदाज से आपको अच्छे कपड़े नहीं दे सकता जिस तरह के माँ पहना सकती है, जिस तरह के बाप ला के दे सकता है। फिर आपको यहाँ मदरसे में क्यों रखा? पढ़ाई तो स्कूल में भी हो सकती थी, पढ़ाई बाद सुबह मदरसे में आते शाम को चले जाते तब भी हो सकती थी। आपको मदरसे में इसलिए रखा है क्योंकि आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका सोना, आपका खाना, सारे का सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर होता है। आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ रखा है, वक्त गुजारी के लिए नहीं रखा है। आपने इमामत करनी है कौम की, क़यादत करनी है, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं करनी, आपने रसूलुल्लाह के दीन का नमूना बनना है ताकि गैर मुस्लिम दोस्त देख के भी कहें कि हाँ देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, कैसा बाहया आदमी है, इसकी आंखें झुकी हुई है, कैसा अच्छा आदमी है, गरीबों को खाना खिलाता है, कैसा बढ़िया आदमी है, रस्ते में से बकरा हटा देता है, कैसा नेक आदमी है, हर एक के साथ सलाम करता है। आपको इसलिए रखा है कि आप एक नमूना बन जाए। अगर यहाँ रह के भी कोई बात नहीं बनी तो फिर रहना बेकार है, फिर रहना बेकार है। तो इसलिए अपनी सोच को मुस्बत बनाना सबने बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब यहाँ रहना है अपने असाज़ा की बात मान के, दो बंदे हैं दुनिया में, दुनिया में दो आदमी हैं
जो दोस्त होते हैं ना, कई बार बंदा तरक्की करता है छिड़ जाते हैं। सके भाई जो होते हैं ना, कई बार बंदा ज्यादा तरक्की करता है उनको फिक्र हो जाती है। पड़ोसी होते हैं ना, कई बार बंदा ज्यादा मालदार हो जाता है छिड़ जाते हैं। और एक बड़ी बात बताता हूँ, माँ होती है ना, कई बार कोई एक बेटा भी आगे चला जाए छोड़ दिए, दूसरा क्यों नहीं गया। दो ही बंदे हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि आप उस जगह पहुंच जाए जहाँ वो भी नहीं पहुंच सके। एक आपके वालिद अब्बू जी हैं, दूसरा आपका उस्ताद है जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से आगे चला जाए। कायनात में ये दो बंदे जिनकी ये ख्वाहिश है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा शगीर कम से आगे निकल जाए, अल्लाह इसको इज्जत नवाजे। मुझे उम्मीद है ये दो तीन बातें आप सभी इंशाल्लाह इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के अमल की तौफीक अता फरमाए।